पुलिस ने भूना शराब ठेकेदार पंजाब खुराना हत्याकांड मामले में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अमन मलिक को सिरसा के रानिया से गिरफ्तार किया है। अमन मलिक पर फतेहाबाद, गुरुग्राम व पंजाब के 8 केस दर्ज हैं। डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि अमन मलिक पर पंकज खुराना मर्डर मामले में केस दर्ज था और फतेहाबाद पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा हुआ था। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी उस पर 5,000 का इनाम रखा हुआ है। ज्ञात रहे कि भूना इलाके के शराब ठेकेदार पंकज खुराना की 6 अक्टूबर 2021 को कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अमन मलिक का नाम भी सामने आया था और वह फरार चल रहा था। और उसके खिलाफ यहाँ हमारे फतेहाबाद में, पंजाब में, गुड़गांव में काफ़ी जगह कई बार हम लोग क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने पंकज खुराना किसी गोली मार्ग आप उनको आगे कितना नाम रखा होगा सर? इसके 25,000 का नाम हमारे पास है और 5,000 गीता मंदिर रोड पर स्थित कुलदीप ज्वेलर्स के मालिक के मकान के आगे से गत रात्रि चोर उनकी वरना कार को चुरा कर ले गए हैं। शहर पुलिस ने इस संबंध में कुलदीप ज्वेलर्स के मालिक अरविंद उर्फ बंटी सहदेवड़ा की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गयी है। पुलिस को दी शिकायत में कुलदीप ज्वेलर्स के मालिक अरविंद उर्फ बंटी सहदेवड़ा ने बताया कि उन्होंने अपनी वरना कार घर के बाहर खड़ी की थी। सोमवार रात को तकरीबन 3:20 पर अलसुबह एक स्कॉर्पियो कार में 3-4 लड़के निकले और कार का शीशा तोड़कर उसे स्टार्ट करके चुरा कर ले गए। ठाकर बस्ती में दीवार विवाद को लेकर पड़ोसियों ने मां बेटी पर ईंटों से हमला कर दिया। हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हुई हैं। उनको नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में उपचाराधीन ममता निवासी ठाकर बस्ती ने बताया कि उनके घर के साथ उनके पड़ोसी उनकी दीवार पर ही निर्माण कर रहे थे। उसकी माँ रोशनी ने उनको इसके लिए मना किया था, लेकिन वह दीवार पर कब्जा करने के प्रयास के चलते उनकी दीवार पर ही निर्माण करने लगे। जब उसकी माँ रोशनी देवी उनको मना करने गए तो उक्त लोगों ने उसकी मां पर ईंटों से वार किए। बीच बचाव के लिए जब वह वहां पर गई तो उक्त लोगों ने उससे भी मारपीट की। ममता का आरोप है कि वह कल से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उपरोक्त अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या बात हुई? बात तो जी ये जो है पड़ोसी हमारे, हमारा मकान है, हमारी दीवार के ऊपर ये कब्जा कर रहे थे, नाजायज अवैध तरीके से दीवार बना रहे थे, क्योंकि वो हमारी दीवार और मेरी मम्मी 5 दिन हो गए पंचायत को आते भी हम नहीं रखने देते हमारी दीवार भी आपके अलग निकालो, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती निकाली है। निकालने के बाद मेरी मम्मी गई भी तुम क्यों बना रहे हो, तीन लुगाई हैं इनके, संतोष, बिल्लो और मंदो, ये तीनों मेरी मम्मी के मान चढ़ गई। तीनों लेडीज बट्ठे से सिर फोड़ रखा, यहाँ से इतना खून आया पूरी आँख नहीं खुल गई। उसके बाद फिर मैं भी छुड़ाने के लिए इनके घर में 3 आदमी हैं, दीपक, एक वो नरेंद्र, सोनू, तीनों ने मेरे को पकड़ के मारा। फिर इन्होंने मैं गई सब तीनों ने मेरे को घेर लिया, नहीं मैं गलत तरीके से मेरे को टच किया, तीनों ने मेरे को बुरी तरीके से मारा, सिर में आए 5 टाके। कल के हमें एडमिट